हेलो बच्चों, आपको होमवर्क में कॉलम दिए थे कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर आर क्रिस्टलाइन इन द वॉशिंग सोडा। तो ये प्रॉब्लम दिया गया था, तो एक दो बच्चों का एक बार कन्फ्यूजन था। तो इसमें पूछा गया परसेंटेज ऑफ वाटर, इसमें पूछा गया वॉशिंग सोडा। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर आर क्रिस्टलाइन इन द वॉशिंग, मतलब ये आपका वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है। और इस वॉशिंग सोडा में कितने मालिक्यूल वाटर के प्रेजेंट हैं, 10 मालिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो इसका परसेंटेज पूछा गया। तो सबसे पहले परसेंटेज निकालते गए थे, जिस कंपाउंड का पूछा गया उसका मास अपान टोटल मास है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, मालिकुलर मास ऑफ कंपाउंड। तो मालिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास, 23। तो 2 × 23, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 3, ऑक्सीजन 16 × 3 प्लस 10। अब वाटर कितना होता है 18, वाटर का बेटा कितना होता है 18, 16 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन कितना होता है 18, तो 10 × 18। फिर समझिए, सोडियम का होता है 23, कितने सोडियम दिए 2, तो 2 × 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3, 3 ऑक्सीजन है 16 × 3 प्लस 10। और H2 को का कितना होता है बेटा, वाटर का होता है 18, तो 10 × 18। तो टोटल आपने निकाला, तो मालिकुलर मास ऑफ कंपाउंड कितना आया, 286। अब आपके पेपर पूछा है परसेंटेज ऑफ वाटर, तो इस वॉशिंग सोडा में वाटर का मास कितना है, तो वाटर के कितने मालिक्यूल दिए गए 10, तो मास ऑफ 10 H2O, तो 10 × 18 कितना आ गया, 180। मतलब आपके पेपर में पूछा गया परसेंटेज मास ऑफ वाटर, तो जब किसी भी कंपाउंड का मास निकालते हैं, किसी भी एटम का मास निकालते हैं, तो उस कंपाउंड में कि उसका टोटल मास कितना दिया गया है। तो यहाँ पे वाटर के 10 मालिक्यूल है, 10 × 18, तो परसेंटेज ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ वाटर जो मास ऑफ H2O इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, मतलब 1 मोल जो कंपाउंड दिया गया, इस 1 मोल कंपाउंड में वाटर का कितना मास है। तो वाटर के 10 मालिक्यूल दिए गए, 10 × 18 कितना हुआ है, 180 अपान मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो मास ऑफ वाटर कितना आपने निकाला, 180, और टोटल मास कितना आया, 286 × 100। तो जब इसको कैलकुलेट किए तो कितना आया, 6.294%, 6.294%। तो बेटा क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रॉब्लम कराते हैं। ये क्लियर हो गया, पेपर में वाटर का परसेंटेज पूछा गया है, आप वाटर के कितने मालिक्यूल हैं, 10। अगर यहाँ पे सोडियम का पूछ लेता है, तो बेटा सोडियम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ सोडियम, पहले सोडियम का मास निकालते हैं, मास ऑफ सोडियम, तो सोडियम के कितने दिए गए, 2 एटम, तो 2 × क्या करते हैं, एटम कितना, 23, कितना आ जाएगा, 46। तो यहाँ क्या हो जाता है, 46 अपान 286 मल्टीप्लाई 100। बात क्लियर बेटा। जैसे आपसे पूछ लेता है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इसमें, तो क्या करते हैं, कितने हैं, दे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लेंगे। तो बेटा क्लियर है। चलिए अगला प्रॉब्लम हम सॉल्व कराते हैं। अगला जो दिया, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ SO4 NH4 आयंस इन द फेरस अमोनियम सल्फेट। बेटा इसी क्या बोलते हैं, मोहर साल्ट। आपको फार्मूला याद करना, क्या होता है, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। तो यहाँ परसेंटेज किसका पूछा गया, सल्फेट का और अमोनियम आयन, सल्फेट आयन और अमोनियम आयन का परसेंटेज पूछा गया है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सल्फेट का मास अपान टोटल मास, अमोनिया निकाल तो अमोनियम का मास अपान टोटल मास। तो एक एक करके समझना यहाँ पे। तो मोलर मास ऑफ मोहर साल्ट कैसे, फार्मूला क्या होता है, Fe SO4 NH4 का होल टू SO4 डॉट 6H2। आयरन का मास कितना होता है, 56। सल्फर का बेटा, सल्फर का 32 होगा, सल्फर बेटा कितना होगा, 32 होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन को होता 16 मल्टीप्लाई 4, ऑक्सीजन को होता 16 और 16 में 4 को मल्टीप्लाई किए तो 4 कितना आ जाएगा, 64। NH4 का कितना होगा, नाइट्रोजन को होता है बेटा 17 और प्लस, ध्यान सुना बेटा, 4।
अब यहाँ पे आपको 19 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए NH4 होता है, N सॉरी नाइट्रोजन को कितना होता है, नाइट्रोजन होता है 14 और हाइड्रोजन का कितना हुआ 4, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 4, टोटल कितना आ गया 18, टोटल कितना आ गया बेटा 18 आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 × 18 क्लियर। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 64, वाटर है 6H2O, क्या हो जाएगा 6 × 18। बात समझ में आ रहा, वाटर कितना होता है बेटा 18, इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दिए टोटल कितना आ गया 392 क्लियर बेटा। मॉलिक्यूलर मास निकालना बता दिए तो एक बार फिर समझना, आयरन 6, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 × 4, 16 × 4 64 आया, NH4 का होल ट्वाइस 2, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई था, NH4 का कितना होता है 18, नाइट्रोजन का 4, हाइड्रोजन का सॉरी नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 4 टोटल 18, 18 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, सल्फर 32, ऑक्सीजन 64, 6 × इतना 392, तो टोटल कितना आ गया 392। अब आपसे पूछा गया माप किसका परसेंटेज निकाला, SO4, तो इसमें चेक करिए SO4 के कितने मॉलिक्यूल दिए गए आपके पेपर में। SO4 के एक मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया गया है और दूसरा SO4 यहाँ पे दिया गया है, तो मास ऑफ 2 SO4 हो जाएगा। यहाँ सुनिएगा, परसेंटेज किसका पूछा गया, सल्फेट आयन का, सल्फेट आयन कितने दिए गए, एक तो यहाँ पे दिया गया सल्फेट आयन, एक तो यहाँ पे सल्फेट आयन दिया गया और दूसरा सल्फेट आयन है, तो यहाँ पर लिखा मास ऑफ 2 सल्फेट आयन, तो एक SO4 सल्फर का कितना होता है बेटा 2 मल्टीप्लाई सल्फर का हुआ 32, ऑक्सीजन का 16 में 4 मल्टीप्लाई किया कितना है 64, एक ऑक्सीजन का 16 4 दिया गया 64, तो 2 × 9 6 कितना आ गया 192, तो दो तो 2 सल्फेट का मास कितना है 192। तो यहाँ पूछा परसेंटेज ऑफ SO4, तो यहाँ पर लिखा मास ऑफ सल्फेट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड में सल्फेट का मास कितना दिया गया, जैसे 1 मोल कंपाउंड दिया गया Fe(SO4.NH4) का होल ट्वाइस SO4.6 है, इस 1 मोल कंपाउंड में इस सल्फेट का मास कितना होगा 192, एक सल्फेट यहाँ पर दिया गया, एक सल्फेट यहाँ पर दिया गया, अपान मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मतलब इस कंपाउंड का मास कितना है, तो 192 मल्टीप्लाई 100 अपान 392 कितना आ गया 48.98%। अब पूछा गया है मास ऑफ NH4, तो यहाँ चेक करिए NH4 के कितने हैं 2, देखिए NH4 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर लिखा मास ऑफ 2 NH4 क्लियर है, तो क्या हो जाएगा 2 NH4 कितना है 18 36, तो परसेंटेज ऑफ NH4 क्या, मास ऑफ NH4 इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मतलब 1 मोल कंपाउंड में NH4 का कितना मास होगा, तो NH4 के कितने होंगे 14 + 4 = 18 × 2, 2 है, NH4 कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे 2, NH4 के 2 मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है NH4 का होल ट्वाइस, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 / 392 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया 9.18%। बात क्लियर, अगर यहीं पूछ लेता कि वाटर का परसेंटेज बताइए, तो वाटर कैसे निकालते हैं, देखिए परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे निकाल रहे बेटा, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल दिया गया है, वाटर कितने मॉलिक्यूल 6 H2O, मतलब क्या करते 6 × 18 / 392 × 100 क्लियर है बेटा। तो 2 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा दिए हैं, बाकी जो होमवर्क और प्रॉब्लम है अगर वहाँ पे आपको डाउट हो तो आप हमसे पूछिए, तो अगर इसी तरह अगर आपसे जो भी पूछा जाए बेटा आप उसको निकाल सकते हैं, तो क्लियर, थैंक यू।